हमारे फ्यूचर का क्या भैरवा? Amazon Prime Video के ऊपर बुजी एंड बैरवा के दो एपिसोड निकल कर आ चुके हैं, जो सभी लोगों ने रात के 12 बजे के बाद ही यहाँ पे देख लिए होंगे। एक्साइटमेंट ही यहाँ पे जो है इतना ज्यादा था। तो यार आज की वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ यहाँ पे इन दोनों एपिसोड्स का, कि यार एपिसोड यहाँ पे जो है कैसे लगे, कैसे है कल की दुनिया, एंड गाइस इस दुनिया के अंदर आप लोगों को यहाँ पे और क्या क्या आगे देखने को मिल सकता है। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे जो है पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक देख लिया है, कैसा लग रहा है फटाफट से कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखो, सबसे अच्छी बात मेरे को यहाँ पे जो है पूरी की पूरी कल की के वर्ल्ड की यहाँ पे लगी, कि अपने को यहाँ पे एक डिफरेंट ही दुनिया देखने को मिल रही है। जो हमारी आज की पृथ्वी है वो वैसी की वैसी नहीं, बल्कि दोस्तों आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो पृथ्वी है कैसी बन जाएगी, वहां की दुनिया यहाँ पे जो है कैसी रहेगी, उन सब के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है। गाइस जब मैंने टीजर को देखा था तो मेरे को लगा था कि यार काफी फीका यहाँ पे जो इनका एनिमेशन होने वाला है, लेकिन गाइस जब मैंने यहाँ पे जो है फाइनली प्रीलूड्स को देख लिया तो मुझे लगा कि यार इतना फीका भी नहीं है, काफी अच्छा एनिमेशन जो है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाइस उसी के साथ जैसे कि हमारा भैरवा हो गया, भुज्जी हो गया, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है उन दोनों को काफी अच्छी तरीके से अपने सामने यहाँ पे जो है रखने की इन लोगों ने कोशिश की है, ताकि इसी केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे जो हमारे दिमाग में रख सके, एंड हमारे दिमाग रखने के बाद इसी केमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे जब मूवी देखने जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक आइडिया रहे कि कैसे इन दोनों की यहाँ पे जो है केमिस्ट्री रही है, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में, जैसे यहाँ पे जो है प्रीलूड स्टार्ट होता है तो अपने को यहाँ पे जो है उसी समय से एक नई दुनिया दिखाई जाती है, मतलब वहां पे रीडर्स है, वहां पे यहाँ पे जो रिबेलियंस है, एंड वहां पर दोस्तों एक नई नई टैक्स जो होता है वो भी अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी कुछ चीज जो होती है उसको यहाँ पे जो है उठा के लाइक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए एक बड़े बड़े टैक्स जो होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे डाले गए हैं, बड़ी बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीजें जो होती है उन सभी को यहाँ पे जो है ऐड किया गया है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे खुद देखो ना, भैरवा भुज्जी का जब पहला एपिसोड को यहाँ पे जो स्टार्ट किया जाता है तो पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में ही अपने को यहाँ पे जो है भुज्जी की एंट्री जो होती है वो ऑलरेडी कर दी जाती है। भुज्जी जो ऑलरेडी यहाँ पे जो है रेडर्स के लिए काम कर रही होती है वो अपना प्रमोशन चाहती है, बस सिंपल सी बात है। लेकिन गाइस उसी बीच में यहाँ पे जो है रिबेलियन हमला कर देते हैं, जो भी वो लोग यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स तक उसको यहाँ पे जो चुरा के ले जाते हैं, जिस शिप में यहाँ पे भुज्जी होती है गाइस उसको यहाँ पे जो है ब्लास्ट करके चले जाते हैं। एक बात तो मेरे को यहाँ पे जो है काफी इजीली समझ में आती है कि यार इस पूरे के पूरे कल की वर्ल्ड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सिटी है ना वो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज सुनने में यहाँ पे ये है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पे जो है अच्छा फूड मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, अच्छा सब कुछ अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिल सकता है। तो हर कोई बंदा चाहता है कि वो एक बार यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स जरूर जाए। वैसे ही दोस्तों हमारा जो हीरो है प्रभास एंड भैरवा, उसका भी सपना यहाँ पे जो है एक बार कॉम्प्लेक्स सिटी जाने का रहता है, ताकि उसको भी यहाँ पे जो है अच्छी अच्छी हवा मिले, अच्छा खाना मिल सके। स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो भुज्जी है वो पाइनएप्पल्स का बड़ा सारा कंटेनर जो होता है वो एक्सपोर्ट कर रही होती है सीधा कॉम्प्लेक्स तक। आप लोग सोच सकते हो कि एक पाइनएप्पल्स के लिए जो रिबेलियंस होते हैं वो कैसे यहाँ पे जो हमला कर रहे हैं, कैसे उसको यहाँ पे जो चोरी कर रहे हैं, तो दुनिया यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से तबाह हो चुकी है। बिकॉज सोचो ना यार, एक पाइनएप्पल के लिए इतनी मेहनत यहाँ पे जो है लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ लोग यहाँ पे जो है, अगर आप लोगों ने नॉर्मल तरीके से सिटी ऑफ काशी देखा होगा तो वहां पर हवा जो होती है पहाड़ों की हवा जो होती है उसको भी यहाँ पे जो है बेचा जा रहा है, लिटरली पहाड़ों की हवा को कैप्चर करके उसको भी यहाँ पे जो है सेल किया जा रहा है। तो इस दुनिया के अंदर यहाँ पे जो ऑलरेडी दवाई मचना स्टार्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे जो है पैसे नहीं बचे, बल्कि दोस्तों अब यहाँ पे जो है यूनिट्स जो होते हैं वो यहाँ पे जो है बचे हैं, नई नई करेंसी का नाम हो रखी है। गाइस वहां पर हर एक बंदे के मुंह पे यहाँ पे जो है मास्क लगा हुआ है, किसी का यहाँ पे जो है हाथ टूटा हुआ है फिर भी यहाँ पे जो काम कर रहा है, किसी का यहाँ पे जो मशीनरी आम है तो किसी के यहाँ पे जो मशीनरी टांग है, नए नए व्हीकल्स हैं। एक टांगे वाले को आप लोग यहाँ पे देखो ना, एक टांगे वाला है जिसके ऊपर टायर आप लोग देखोगे तो बोलोगे भाई ये टायर कैसा है, इस तरह का फ्यूचरिस्टिक टायर यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। तो यार बहुत सारी कमाल कमाल की नई नई चीजें देखने को मिली है सभी एपिसोड के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इससे ही अपने को यहाँ पे जो कल की दुनिया है उसके बारे में यहाँ पे जो है अंदाजा लग जाता है। लाइक सेम अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करें तो उसको यहाँ पे जो मैडमैक्स हो गया, ड्यून हो गया, इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है कंपेयर कर सकते हो कि वहां पर भी दोस्तों खाने के पीने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ही जगह होती थी, वहीं पर लोग जाते थे, वहीं से लोग पानी मांगते रहे, वहीं से लोग खाना मांगते रहे। वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिटी जो है वो यहाँ पे होने वाली, जो कि संसाधनों से यहाँ पे भरपूर होने वाली है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो गाइस भुज्जी एंड भैरवा की मेन बात करते हैं तो यार बहुत ही कूल इन दोनों का यहाँ पे जो है जुगलबंदी लगी, लिटरली में गाइस देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली बात है भुज्जी यहाँ पे जो है खुद हेल्प करती है भैरवा को एक पूरी की पूरी नई गाड़ी बनाने में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है भैरवा को भी यहाँ पे जो है भुज्जी पूरे के पूरे भंगार के एरिया में मिलती है, वहां पर दोस्तों वो दोनों यहाँ पे जो है मिलकर एक पूरी की पूरी कार बनाते हैं, ठीक है। अब कार बनाने के लिए भी इनकी बात यहाँ पे जो है पैसे नहीं होते, बिकॉज इनके पार्ट्स जो है काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो ये लोग यहाँ पे जो है कार बनाने के लिए जो कार के पार्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे चोरी करते हैं। तो यार मुझे क्या सपना है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है उसको, एनगैस वहां जाने के बाद सिंपल तरीके से उसको प्रमोशन लेना है, ठीक है। उससे पहले उसका यहाँ पे एक्सीडेंट होता है एनगैस, पर वो यहाँ पे जो कुछ कर नहीं पाती, लेकिन मुझे में भी काफी ज्यादा दिमाग है, वो प्रभास की मदद से यहाँ पे जो अपनी खुद की गाड़ी बनाती है। एनगैस प्रभास को धोखा देके वो खुद यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स के लिए चली जाती है, लेकिन भाई प्रभास तो प्रभास है, भैरवा कैरेक्टर तो भैरवा कैरेक्टर डेफिनेटली यहाँ पे जो है टॉप लेवल का है भाई। वो एक डिवाइस ही यहाँ पे जो है सेट कर देता है कि वो भुज्जी को भी यहाँ पे जो है कंट्रोल कर सकता है, गैस भुज्जी गाड़ी जो है उसको भी यहाँ पे जो है कंट्रोल कर सकता है। तो भाई बहुत सही है, दोनों के बीच में जुगलबंदी दिखाई गई
सीन है, जब आप लोग एपिसोड्स को देखोगे डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पसंद आएगी। एट दी एंड वो दोनों को यहाँ पे जो एग्री कर जाते हैं कि चलो दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, बिकॉज दोनों को वैसे भी यहाँ पे जो है जाना तो कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो यार काफी अच्छा लगा दोनों की यहाँ पे जुगलबंदी देखकर। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो गाइस मुझे कल्कि की दुनिया काफी ज्यादा अच्छी लगी। वैसे भी दोस्तों मैंने यहाँ पे जो नागेश्विन के एक इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे सुना था कि जब आप लोग यहाँ पे जो है कल्कि की दुनिया को देखोगे एंड थिएटर्स के बाहर आओगे तो आप लोगों को भी वापस इस दुनिया में जाने का मन करेगा, बिकॉज इस दुनिया यहाँ पे जो है हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा डिफरेंट यहाँ पे बनाई गई है। इसी के साथ दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अभी दो एपिसोड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी यहाँ पे जो नहीं देखा है, लिटरली कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ अपने को यहाँ पे साईफाई दुनिया जो होती है वही यहाँ पे जो दिखाई गई है। शायद अपने को यहाँ पे जो है आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर यहाँ पे हमारी इंडियन हिस्ट्री जो होती है उसको भी यहाँ पे जो इंक्लूड किया जाए, बिकॉज ये पूरी की पूरी कल्कि मूवी यहाँ पे जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री के साथ भी यहाँ पे जो है कनेक्ट करने वाली है। बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे जो अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है देख ही लिया है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो यहाँ पे जो है बड़ा देखने को मिलेगा जो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे जो है माइंड ब्लो करने ही वाला है। लेट्स सी गाइस किसके अंदर यहाँ पे जो है आगे और क्या क्या निकल कर आता है। मैं हर चीज के लिए यहाँ पे जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक यहाँ पे जो भी देखा है वो मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा लगा। तो आप लोग कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह की और वीडियोस के लिए बटाफट जाओ एंड सब्सक्राइब।